इस वक्त की बड़ी खबर सीधे ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। आपको बता दें, छात्र ने की छात्रा की गोली मारकर हत्या। बता दें कि शिव नादर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा का कत्ल कर दिया गया और इसी के साथ छात्रा को गोली मारने के बाद छात्र ने खुदकुशी कर ली। बता दें ग्रेटर नोएडा के शिव नादर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र ने साथ ही छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। छात्रा की हत्या करने के बाद छात्र ने खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा कानपुर की रहने वाली थी और छात्र अमरोहा का रहने वाला था। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आप ग्रेटर नोएडा से देख पा रहे हैं कि छात्र ने एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी और वो छात्र की साथी थी छात्रा। आज शिवनादर यूनिवर्सिटी से एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया था कि एक छात्र ने जो दोनों इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, छात्र द्वारा छात्रा की गोली मार दी गई है। छात्रा को यथार्थ हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर बताया गया। उसके बाद पुलिस द्वारा जो प्राथमिक तथ्यों की जानकारी करी गई उसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि छात्र और छात्रा पूर्व से परिचित हैं। आज उनका यूनिवर्सिटी के ही डाइनिंग हॉल के सामने विवाद हुआ जिसमें छात्र ने छात्रा को शूट कर दिया और उसके बाद उसी छात्र ने अपने रूम में जाकर खुद के भी गोली मार ली है। पुलिस द्वारा बाकी वैधानिक कार्रवाई इसमें करी जा रही है। तो जिस तरीके से आप ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं जहां पर छात्र ने छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी और गोली मारने के बाद छात्र ने खुदकुशी कर ली और खुद को मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है जहां पर छात्र ने की छात्रा की गोली मारकर हत्या। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उस मौका वारदात से सोनू शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। सोनू शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूरा ये वारदात हमें देखने को मिली जहां पर छात्र ने छात्रा को गोली मार दी, इस पूरे मामले की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जी बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा का ये दादरी क्षेत्र है जहाँ सिर्फ नादरी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर कानपुर के रहने वाली जो नेहा चौरसिया है वो बीए सोशल मीडिया के जो बीए के छात्र है वो दोनों आपस में ये पढ़ाई विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। हालांकि इतना प्यार इन दोनों में इतना बढ़ चढ़ गया था, हालांकि ये दोनों आपस में पिछले कई सालों से जानते थे और लगातार इतनी प्यार जो है परवान चढ़ा धीरे धीरे धीरे, और देखते देखते एक दफे कई समय पहले इन लोगों की आपस में कहा सुनी भी हुई और लगातार ये लोग विवाद में घिरते रहे और डाइनिंग टेबल पर ये दोनों गए और आपस में काफी रोने लगे, गले मिलने लगे और मिलने के बाद जो है उन्होंने एक प्लान बनाया और जो अनुज है वो जो अमरोहा का रहने वाला था उसने अपनी पिस्टल निकाली और जो नया चौरसिया है जो हत्या छात्र है उसको दो गोली मारी, ऑन द स्पॉट उसकी मौके पर मौत हो जाती है। और अनुज है जो अपने कमरे जो बॉय हॉस्टल है, अनुज अपने रूम नंबर 328 पर जाता है और अपने ही कनपट्टी में पिस्टल लगाता है और उसके बाद अपने आप को खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। जी तो सोनू, जिस तरीके से पूरी मौके वारदात को हम देख पा रहे हैं तो क्या ये प्रेम प्रसंग के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है? जी बिल्कुल, ये दोनों जो है नादर विश्वविद्यालय में आपस में काफी प्रेम भाव से रह करते थे और दोनों बहुत प्रेम गहरी दोस्ती थी और लगातार इतने प्रेम में ये फंस चुके थे, लगातार धीरे 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 इनके प्रेम जो है परवान चढ़ा और दोनों आपस में इतनी मोहब्बत करते थे। मरने से पहले ये दोनों ने आपस में काफी बातचीत की और दोनों आपस में मिलकर खूब रोने लगे, गले मिलकर रोने लगे लगातार, और फिर उसके बाद जो है उनके दोनों के मन में क्या विचार हुआ, धीरे धीरे उन्होंने पिस्टल जो उन्होंने अनुज है उस पिस्टल निकालता है और जो मृत छात्रा है वो कानपुर के रहने वाली जो नेहा चौरसिया को गोली मार देते हैं और उसके बाद जो अनुज भी अपने आप को रासलीला के समाप्त हो जाता है। जी तो अब इस पूरी घटना को लेकर परिजनों का क्या कुछ कहना है, छात्र की भी और छात्रा की भी? देखिए, जब ये वारदात ग्रेटर नोएडा दादरी का क्षेत्र में जब होता है तो पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है। ऐसे में जो कैंपस के जो विश्वविद्यालय के और छात्र हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस मौके पे पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पे पहुंचती है, एसपी डीसीपी तमाम रैंक के अधिकारी वहां पे पहुंचते हैं, सबको कब्जे में लिया जाता है और उसके बाद जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। परिजनों का इसमें यह कहना है, दोनों परिजनों की तरफ से तहरीर दे दी गई है और सूचना उन दोनों की लिखी गई है और जो आगे जो मामले पुलिस है वो जांच में जुटी हुई है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।